जय हिंद दोस्तों। ईसीएचएस से इलाज कराने वाले किस समय कौन कौन सी बीमारियों पर इमरजेंसी में बिना रेफरल किए हुए बिना रेफर किए हुए इलाज करा सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं, इस पर ये वीडियो होने वाला है। कई लोग कहते हैं कि सर रेफर नहीं किया तो मैं इमरजेंसी में किन किन बीमारियों में दिखा सकता हूँ, इलाज करा सकता हूँ किसी भी हॉस्पिटल में। तो इसमें आप जानेंगे कि क्या है, कौन कौन सी बीमारी है। सबसे पहले बता दें कि जो बीमारी रहेगी वो ऐसी बीमारी होनी चाहिए कि अगर भर्ती नहीं कराया गया जल्दी से जल्दी तो उसकी डेथ भी हो सकती है। इस कंडीशन पे कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, तो ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में जब ट्रीटमेंट कराएंगे तो ऐसी कौन कौन सी बीमारी हैं जो आप बिना रेफर कराए इमरजेंसी में भर्ती करा सकते हैं। तो ईसीएचएस ने डिफाइन किया हुआ है कौन कौन सी बीमारियां होनी चाहिए, वो बीमारी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको अगर इमरजेंसी में कहीं बाइक एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और आपके सर में गंभीर चोट है तो आप उसके लिए इलाज करा सकते हैं। दूसरा, कई बार ऐसे होता है कि सांप काट लेता है, ऐसे में अगर किसी को सांप काट लेता है किसी भी हॉस्पिटल में बिना रेफर करा के भी इलाज करा सकते हैं, उसका आपको पूरा बेनिफिट आपको दिया जाएगा ईसीएचएस की तरफ से। जो भी आपका पैसा लगेगा वो ईसीएचएस के थ्रू रिफंड होगा। इसके बाद दूसरा, सारी बीमारियां इसमें लिखी हुई, तो इसमें जो इंग्लिश में जो मेडिकल की तरफ से बीमारी लिखी हुई है, एक्यूट कार्डियक कंडीशन में, तो ये कई तरह की बीमारी है, इनको मैं एक एक करके, तो बहुत सारी बीमारी है। कार्डिक अगर फेल हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक हो गया आ गया है उस टाइम में, और ऐसी कई कंडीशन है जैसे कि लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी, कोई ऐसी इंजरी हो जाती है कि लाइफ जाने के खतरा है, एक्यूट पॉइजनिंग, कोई पॉइजन खा लिया है या स्नैक बाइट स्नैक ने काट लिया है, हीट स्ट्रोक हो गया है, इस पर भी आप डायरेक्ट कहीं भी जाके इलाज करा सकते हैं। बाद में आपका इसमें पूरा रिफंड किया जाएगा, इसमें कहीं रेफर करने की रेफरल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद एक्यूट रिन्यू फेलियर, रिन्यूअल फेलियर, सेवर इंडीज लीडिंग पर भी आप करा सकते हैं, इन्फेक्शन अगर किसी तरह का ऐसा हो गया है उस पर भी आप इलाज करा सकते हैं। एनी अदर कंडीशन भाई, डिले डिले अगर कर डिले करने पर लाइफ जाने का खतरा है, लॉस ऑफ लाइफ का ऐसा खतरा है, तो किसी भी कंडीशन पर आप इलाज करा सकते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि उनको बुखार था तो इसलिए इलाज करा लिया, ऐसी चोट लगी थी इसलिए इलाज करा लिया और 4 दिन से बुखार था, इस तरह के इलाज आप इमरजेंसी में नहीं करा सकते हैं, यानी कि रेफरल उसके लिए लेना ही होगा। अगर किसी के पैर का चोट है उसको सही कराने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आपको उसके लिए रेफरल लेना पड़ेगा। हड्डी अगर टूटी है, किसी तरह का हाथ टूट गया है, तो इसके लिए रेफरल जरूरी है। लेकिन आप बाकी अगर जान का खतरा है तो आप इमरजेंसी में इलाज करा सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू। जय हिंद।